आसपास के परिसंस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। विद्यार्थी मित्रों, आरंभ में हम परिसंस्था और उसके घटकों के बारे में जो हम जानते हैं उसे दोहराते हैं। जैविक और अजैविक घटक और उनमें पाई जाने वाली अंतरक्रिया, ये सब मिलकर परिसंस्था बनती है। परिसंस्था के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जैविक और अजैविक। ये परिसंस्था के अध्ययन के लिए हमें एक लेख पुस्तिका, पर्ण, पेंसिल और पुराने समाचार पत्रों की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया: अपने घर के आसपास की या फिर पाठशाला के आसपास की दो जगह चुनें। आप पिकनिक या फिर सैर के लिए योग्य ऐसे कोई एक जगह भी चुन सकते हैं, पर यह काम किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करें। वहां पाए जाने वाले जैविक घटकों की एक सूची बनाएं। अलग अलग प्रकार के पेड़ों और वनस्पति के नमूने और बीज इकट्ठा करें। ये करते समय आप किसी भी पौधे या पेड़ को ना ही तोड़ेंगे और ना ही कोई नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही दुर्लभ पेड़ और पौधों के नमूने को इकट्ठा न करें। याद रखें कि हमें परिसंस्था के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन प्राणियों को कोई हानि पहुंचाने बगैर। अब आपके द्वारा चुने हुए क्षेत्र में मिलने वाले हर प्रकार के प्राणियों के नाम की सूची बनाएं। इन प्राणियों के फोटो भी आप निकाल सकते हैं या फिर चित्र भी बना सकते हैं। आपके द्वारा इकट्ठा किए गए नमूनों को और बीजों को पुराने अखबारों में रखें और इस प्रकार सूखे वनस्पतियों का संग्रह तैयार करें। इसके साथ अजैविक घटकों की भी सूची बनाएं। दोनों परिसंस्थाओं में मिलने वाले जैविक घटकों में अंतर ढूंढ लें। निरीक्षण: नीचे दिए गए टेबल के अनुसार टेबल बनाएं। इसमें परिसंस्था का नाम, जैविक घटकों की सूची, अजैविक घटकों की सूची। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे: निम्नलिखित मुद्दों के बारे में विचार करें और उन्हें अपनी पुस्तिका में लिख लें। अंतरक्रिया समझने के लिए सब घटकों का ठीक से अध्ययन करें। वर्तमान समय में प्रचलित आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में ढूंढें।